press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर, शिक्षित और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और भारत में बहुत ही ज्यादा उनको पसंद किया जा रहा है उनके पॉजिटिव व्यूज के लिए। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लायक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इंटरेस्टिंग बात करी, क्योंकि मैं जो शुरू में मैंने बोला कि हम पार्ट टू करने वाले थे उस पॉडकास्ट का जो हमने कुछ दिन पहले करा, मगर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी न्यूज में है, हमने बोला हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में। और आपने जो भी बोला कि जितना भी इंसान बड़ा इंसान हो जाए, जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी हुआ है, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो जीतने वाला है। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं अभी जो हो रहा है इलेक्शन? डोनाल्ड ट्रंप को मैं आज से फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं 2011 से फॉलो करती हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज मुझे ये लगती है कि ही इज एक्सट्रीमली आउट स्पोकन पर्सन, और जो भी बातें वो करते हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पर करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर उनसे बहुत ज्यादा मिलता है। मैं आई एम वेरी आउट स्पोकन, और किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम खुला बात करती हूँ। कई बार तो मतलब अगर कोई मेल एंकर होते हैं तो वो नजरें नीची कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि भाई बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो हमारे पीरियड्स की बात अगर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है, तो ये तो मुझे तो वो तो बोल रहा है मतलब पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं अगर उसको रिपीट नहीं करूंगी तो मैं समझा कैसे पाऊंगी कि एक पुरुष जो इस्लाम में इतनी सारी बंदिशें हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि इस्लाम में इतनी सारी तहजीब और तमीज बताई जाती है, तो फिर ये पुरुष जो मुसलमान है वो हमारी प्योरिटी के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की ये चीज हमेशा से बहुत पसंद आई है कि ही इज सच अ वेरी आउट स्पोकन पर्सन, और बहुत ब्लंट बोलते हैं, एकदम सही को सही गलत को गलत कहते हैं। अच्छा, उनके ऊपर अभी ड्यूरिंग द 2024 इलेक्शन अभी उनके ऊपर एक और एलिगेशन आया था कि क्योंकि अमेरिका में और यूएस के इलेक्शन में 1% हिंदू वोटर्स हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वो बांग्लादेश वाला ट्रंप खेला था, ये उनके ऊपर एक एलिगेशन आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2012 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदूज के समर्थन में बात किया था और सनातन धर्म को खूबसूरत बताया था, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब उन्होंने 2014 और 15 में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि वो बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित होते हैं और बहुत ज्यादा उनको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है जब वो हिंदुओं से मिलते हैं, तो तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर 2016 में मॉर्निंग अमेरिका बोल करके एक न्यूज़पेपर भी आता था उस वक्त, तो उसको भी उन्होंने बताया था उनके इंटरव्यू में, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, कि उनको हिंदू धर्मों में उनको काफी रुचि है, काफी इंटरेस्ट है, तब भी कोई इलेक्शन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था उनके ऊपर जो अभी कमाला हैरिस ने लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि कमाला हैरिस को जो बिडेन ने इसीलिए खड़ा किया था क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स आते थे वो हिंदू आते थे, और लास्ट 6 मंथ से कमाला हैरिस जो है वो कोशिश कर रही थी ये कन्विंस करने की अमेरिका के हिंदुओं को कि देखो मेरे एंसेस्टर्स हिंदू हैं। वो so, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, क्योंकि वो कभी बोल रही थी कि वो काली है, कभी वो बोल रही है वो इंडियन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा था ये काली है या इंडियन है, ये बार बार चेंज क्यों कर रही है। हाँ, तो वो तो कभी कमला बोलते भी नहीं है, वो कमाला बोलते हैं। तो लेकिन एक होता है कि आप खुद को ये बताओ कि आप इंडियन ओरिजिन से आते हो या आप हिंदू आपके एंसेस्टर्स थे, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया, ये बड़ी बात है। आई एम अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, मेरे पुश्त दर पुश्त मुसलमान वाले हैं, और हमारे यहाँ कोई इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हुआ है, हालांकि मेरे ऊपर एलिगेशन है कि मैंने हिंदू से शादी की थी पर वो पति मिलता नहीं है मुझे। तो
कोई इंटर रिलीजन मैरिज नहीं है, लेकिन मैंने मुसलमान के लिए क्या किया? सो आई हैड डन ट्रिपल तलाक, आई एम फाइटिंग अ लॉन्ग लीगल बैटल टू बैन पॉलीगेमी एंड हलाला, सो आई एम डूइंग समथिंग ना फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, फॉर द मुस्लिम वुमेन्स. अच्छा, अभी हालिया में मैंने क्या कहा था, हाईकोर्ट में एक PIL डाला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जब तक हमारी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो हायर सेकेंडरी पास ना करें तब तक उनका निकाह नहीं होना चाहिए, ये मौलवी मुल्ला ही ना करे, और अगर मौलवी मुल्ला करे तो वो अरेस्ट हो जाए. तो आई एम डूइंग समथिंग ना, इफ आई एम अ मुस्लिम आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई जेंडर, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली फॉर माई जेंडर. मगर आपको सॉरी आपको ये नहीं लगता ये मगर आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि अगर ये चीजें इस्लाम ने अलाउ करी हैं तो आप मुस्लिम्स को कैसे सपोर्ट कर रही हैं ये चीजें बैन करके? देखो, मुझे ऐसा लगता है लुबना कि अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित करना, अपनी मुसलमान बेटियों को थरकबाजी के निशाने से खींच करके लेके आना अगर इस्लाम की के विरोध होता है तो मैं ये विरोध करने को तैयार हूँ. मैं इस विरोध में उतर चुकी हूं, अगर लोगों को लगता है तो. अगर लोग ये सोचते हैं कि हलाला इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, पॉलीगेमी इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, निकाह मसियार इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, निकाह मुत्ता इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, सो दीज काइंड ऑफ वल्गर रिचुअल्स, अगर इसके इसको बैन करवाना इस्लाम का विरोध करना है, सो मैं अग्री करती हूँ कि ठीक है, मैं इस्लाम के विरोध में हूँ, मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बच्चियों को, अपनी मुसलमान बहनों को मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ कि वो हलाला का शिकार बने, वो अशिक्षित रहे, वो अपने वो एम्पावर ना रहे, वो एडुकेटेड ना रहे, वो किसी बुलंदी पर ना पहुंचे, मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने जात की अगर बहुत ईमानदार नहीं हुई तो मैं किसी की भी ईमानदार नहीं हो सकती. तो उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कभी काली बन जाती हैं, ये कभी हिंदू बन जाती हैं, लेकिन कभी भी किसी के पक्ष में तो कुछ नहीं करती हैं. और जितना रिसेंटली उन्होंने, जितना आउट ऑफ स्पोकन होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बात किया, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात किया, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका था, वो एक बहुत ही अप्रिसिएशन वाला स्टेटमेंट था, जिसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू थे वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में कहीं ना कहीं उतरते हुए दिखाई दिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिब्रांडो हिंदू जो मजार जाते हैं, जो मुसलमानों मुसलमान इमाम अगर मस्जिद में और मजार में बलात्कार कर दे तो उनके भी समर्थन में खड़े हो जाते कि इमाम है माफ कर. तो मैं उन हिंदुओं को तो हिंदू मानते ही नहीं हूँ, और जो इमाम मस्जिद और मजार के अंदर रेप करता है मैं उसको मुसलमान मानती ही नहीं. वो सिर्फ मुसलमान का चोगा पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं. तो ट्रंप की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसे नेचर है जो जेंजी ग्रुप को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी अल्फा चल रहा है, अभी जेंजी जो एक ग्रुप आया है वो चल रहा है, तो जिस हिसाब से वो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जिस हिसाब से ट्रंप लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो लोग उनसे अटैच्ड होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति की तरह है. एक बच्चे को गोद में ले लिया और लेने के बाद फिर उसको उसको छेड़ भी रहे हैं और उससे बातें भी पूछ रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि यू वॉन्ट टू बी विथ ट्रंप और यू वॉन्ट टू बी विथ योर फादर. वो कहता है, बच्चा कहता है, ट्रंप इसको मुझे दे दो, ये ट्रंप के साथ रहना चाहता है. तो दीज काइंड ऑफ नेचर ना आर वेरी अट्रैक्टिव नेचर. और हर अभी क्या हो गया है ना कि अभी की जनरेशन सिर्फ भारत नहीं या यूके नहीं, पूरी दुनिया में अब जो ये नया जनरेशन आ रहा है ना, उसको कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए जो बहुत खूनखार बन के बैठा रहे, बड़ा VVIP बन करके बैठा रहे, बड़ा अपने आप में घमंड में बैठा रहे. अब के लोगों को टीचर चाहिए होते हैं फ्रेंड की तरह, माँ बाप चाहिए होते हैं फ्रेंड की तरह, उनको अपने जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं वो चाहिए फ्रेंड की तरह. तो उसी तरीके से उनको नेता भी चाहिए होता है फ्रेंड की तरह. अब जैसे मैं
इंदौर गई हुई थी, एक बहुत बड़े कॉन्क्लेव में गई हुई थी, पत्रकारों का ही बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था, तो मुझे चीफ स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। तो वहां पर मुझसे बच्चियों ने पूछा, जो स्कूल कॉलेज की बच्चियां हैं, कि हम लोग मैम पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहीं पहनना पड़ेगा, मैं पहनती मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं स्कर्ट्स भी पहनती हूँ, और जब मैं गोवा जाती हूँ तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहनती हूँ। तो ऐसी मानसिकता बनाने की कोशिश की गई है कि आपको नेता बनना है तो आपको साड़ियां पहननी है, बड़ी सी बिंदी लगानी है, और एकदम तेल बेल डाल करके बाल को बिल्कुल चिपटा बना लेना है, आपको बिल्कुल अजीब समझ जाना है। तो अभी के जो जनरेशन के बच्चे और बच्चियां होते हैं, जो बहुत क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जो बहुत चार्मफुल होते हैं, जिनका फ्रेश माइंड है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में या बाहर की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करके लेकर के आ सकते हैं, पर वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनकी उनकी जो सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं उनको यही चीज बिलीव उनको फील करवाती हूँ कि मैं एज अ पॉलिटिशियन आई एम सच अ वेरी रेनाउंड पॉलिटिशियन इन दिस सिनेरियो। तो 2022 से 2024 या 2021 से 2024 तक में देखा जाए तो नाज़िया इलाही खान इज अ नाइस पॉलिटिशियन। तो मैं तो पहन रही हूँ, अभी जो लोग मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आए थे उन्होंने देखा कि मैं जीन्स टॉप में और एक स्कार्फ में मैं आई थी एयरपोर्ट के बाहर। तो ऐसे भी माइंड को रिफ्रेश करने वाले जो नेता होते हैं वो हमारे यंगस्टर्स को, जेंजी ग्रुप को बहुत पसंद आते हैं। अब तो जो हमारा पहले क्या होता था, पॉडकास्ट होते थे या इंटरव्यूज होते थे तो वो बहुत हार्श और बहुत मतलब अजीब से होते थे, वो साइलेंस सीरियस। अब क्या होता है कि अब एक एपिसोड रखा जाता है कि अब आपको जेंजी ग्रुप्स के जवाब देने पड़ेंगे जब हमारे पॉडकास्ट होते हैं, नेशनल न्यूज के या जो इंडिविजुअल न्यूज चैनल्स होते हैं उनके, अब आपको जेंजी ग्रुप को रिप्लाई देना पड़ेगा। अब जेंजी ग्रुप का सवाल क्या होता है, मैम आपकी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, आप कभी यहाँ जाती हैं, आप स्कूबा करती हैं, आप पैरासाइलिंग करती हैं, आप फलाना करती हैं, आप डांस करना जानती हैं कि नहीं जानती हैं, आपको आपको मेकअप कैसा लगता है, आपको हेयर स्टाइल कैसा लगता है, आप कैसे कपड़े पसंद करती हैं। तो जो क्वालिटीज होती है ना नेताओं में, चाहे वो कहीं के भी नेता है, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी जेंडर और किसी भी एज के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सको। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में भी है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और बुजुर्ग मतलब 100 साल के बुजुर्गों को भी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये सेम मैंने मतलब ये ऑरा मैंने डोनाल्ड ट्रंप में भी देखा है कि छोटे बच्चे भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो सीनियर सिटीजन है वो भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया इलाही खान जी और लुबना ज़ैदी जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।